Assalamualaikum friend, this is Nana Malik and welcome back to another video. आज हम आए हैं friends खानपुर डैम और friends आज हम आपको यहाँ पर दिखाने लगे हैं पैरासेलिंग और बोटिंग. इसके साथ बताएंगे कि पैरासेलिंग के क्या यहाँ पर खर्चात हैं और friends और आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोट यहाँ पर रेंट पर जो ले सकते हैं वो आपको कितने चार्जेस उसके पड़ेंगे. इसके साथ फ्रेंड्स हम आपको वो लोग भी दिखाएंगे जहाँ पर पैरासेलिंग और बोटिंग कर रहे हैं. और फ्रेंड्स इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको मज़ीद जो आपको निछलकियों में देखे हैं वो सब कुछ अपने इस वीडियो में दिखाने वाले हैं. तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. और इसके अलावा फ्रेंड्स पैरासेलिंग करते हुए आपको यहाँ के मनाजिर कैसे नज़र आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे. यहाँ खूबसूरत मनाजिर से आपको लुत्फानंदोज़ करवाएंगे. और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 40 मिनट दूरी पर है ये इस्लामाबाद से. तो अगर आप इस्लामाबाद रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ 40 मिनट का सफ़र तय करके आप इस खूबसूरत सी जगह पर पहुंच सकते हैं. फ्रेंड्स इस्लामाबाद से यहाँ तक तकरीबन 48 किलोमीटर का ये जो है ना फासला है, तो आप मोटरवे के ज़रिए बहुत आराम से आ सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठने जा रहे हैं बोट के ऊपर और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग मज़ीद दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे पैरासेलिंग हो रही है. ये देखिए बच्चे ईद के बाद यहाँ पर इंजॉय करते हुए काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है ना लोग पहुँचे हुए हैं. बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके. चलिए फ्रेंड्स अभी हम बैठने जा रहे हैं बोट पर. ये देखिए फ्रेंड्स अभी तो हम बोट पे बैठ गए और अभी ये जो आपके सामने से बोट जा रही है स्पीड बोट है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. अच्छा आपको हम इसकी जो है ना बता दें कि ये 2000 रुपये में आप ले सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो किराए पर रेंट पे ले सकते हैं आप बोट सिर्फ 2000 रुपीज़ में. यानी कि मज़े ही मज़े हैं फ्रेंड्स यहाँ पर. हाय फ्रेंड्स नीला आसमान है, नीला पानी है और हम ऊपर तैर रहे हैं. वाह 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 मज़ा आ गया फ्रेंड्स वैसे. अच्छा तो फ्रेंड्स हम जो है ना आपको बताते चले कि हम इसी तरह खूबसूरत सी वीडियो लेकर आते रहते हैं. ये आप देख सकते हैं लगती है हम लोग यूरोप में घूम रहे हैं लेकिन ये पाकिस्तान है. इसी तरह हम लोग ऐसी ऐसी जगहें जो कि बिल्कुल यूरोप जैसी होती हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन आपकी नज़रों से उजले हम उन जगहों पर जाते हैं और आपके लिए वीडियोज़ बना के लेके आते हैं. तो फ्रेंड्स आप लोग अगर ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं या ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप ट्रैवलिंग की वीडियो के शौकीन हैं तो साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके. जी तो फ्रेंड्स हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उस तरफ से इस तरफ यानी कि कश्ती के मज़े लेने के बाद हम लोग उतर चुके हैं साहिल पर. वाह तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये पैरासेलिंग जो है ना ये करके उतर रहे हैं सारे. और फ्रेंड्स ये वैसे है काफ़ी डेंजरस था लेकिन हम आपको जो है ना फिजा से मनाजिर दिखाएंगे. हम भाई अपनी ऑडियंस को फुल एंजॉय करवाते हैं और ऑडियंस जो है ना वो बस ये करे कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करे ताकि आपकी जो हमारी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए. ठीक है फ्रेंड्स. इसके अलावा फ्रेंड्स पैरासेलिंग आपको बता चले कि पैरासेलिंग कोई जो है ना इतना कोई आसान नहीं होता. ये पता है क्या होता है, एक सिर्फ सिंगल लेस्टरसी होती है जो बांधी जाती है बोट के साथ और फिज़ा में आपको छोड़ दिया जाता है ऊपर गुब्बारे की तरह और आपने उड़ना होता है ऊपर जो है ना. वो आपको भी मैं दिखाती भी हूँ कि कैसे जो है ना ये बंदे को फिज़ा में गुब्बारे की तरह फेंक देते हैं. और पैरासेल होती थोड़ी सी जो है ना ड्रॉनी है बिकॉज बंदे को ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर जा रहे हैं लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है फ्रेंड्स. आप ऊपर ऊपर ही जो है ना फिज़ा में गुब्बारे की तरह उड़ रहे होते हैं. तो अभी हम दिखाते हैं भाई साहब यहाँ पर जो है ना वो पैरासेलिंग करने लगे हैं. ये आप देख सकते हैं इनको बांध दी गई है ये जो है ना. और ये देखें ये अभी इनको फिज़ा में उड़ाया है और ये यहाँ से छू मंतर हो गए लॉरी. और फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये लड़की पैरासेलिंग करने लगी है. हमारे तो बहुत दांत निकल रहे हैं फ्रेंड्स. अभी देखते हैं कि क्या होता है. डर तो ये भी रही है. ये देखिए टक करके ये भी छू मंतर हो गई है. चलिए फ्रेंड्स हम भी जो है ना पैरासेलिंग करते हैं और आपको मनाजर दिखाते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम उड़ चुके हैं फिज़ा में. ये फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ ऊपर और ये आप देख सकते हैं साहिल पे. अच्छा आप ईमान से बताएं कमेंट सेक्शन में ये आपको लग रहा है यूरोप की नहीं लग रहा. देखिए ऐसा लगता है स्विट्ज़रलैंड की किसी साहिल पे हम लोग मौजूद हैं फ्रेंड्स. पाकिस्तान की इसी खूबसूरती के लिए और मेरी इसी बहादुरी के लिए और पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कर दें. और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीडो जो बोट है वो ऐसे घूम फिर रही है. और फ्रेंड्स ये मुझे नहीं पता था कि इतना ये खूबसूरत, मैंने जस्ट पिक्चर्स में देखा था लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि ये कितना खूबसूरत है. इसका जो साहिल है वही इतना खूबसूरत है ना फ्रेंड्स कि बंदा इधर उधर जाने को दिल ही नहीं करता. ऐसे लगता है जैसे किसी जो है ना जजीरे पे हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग पैरासेलिंग कर रहे हैं. और फ्रेंड्स अब मैं तो काफ़ी ऊपर हूँ और मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा निकल निकल सा. पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो जो है ना हवा का भी बहुत ज़्यादा शोर है पर मज़ा फ्रेंड्स बहुत आ रहा है. डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा.
और फ्रेंड्स इसके आपको जो है ना हम एक्सपेंसेस बता दें कि अगर आप पैरासेलिंग करना चाहते हैं तो पर हेड आपको 3500 देना पड़ेगा। पर कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये शायद वो बंदा गिर गया है फ्रेंड्स, वो देखें और कश्तियाँ भागी हुई इसी तरफ आ रही हैं। ये इसकी मुझे लगता है गया, वो सच में गया फ्रेंड्स, वो डैम के अंदर गिर गया। वैसे फ्रेंड्स ये डेंजरस नहीं होता, वैसे अगर टूट भी जाए तो वो जो है ना लाइफ बोट वाली जो जैकेट है वो पहनी हुई होती है, और फ्रेंड्स बस जो गैजेट वगैरह होते हैं, जो मोबाइल वगैरह होते हैं, वो जो है ना उनमें पानी वगैरह चला जाता है, बाकी सेफ है, इतना ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस भी नहीं है। लेकिन ये बंदा बेचारा जो है ना वो गिर गया। ये फ्रेंड्स आप सामने मस्जिद देख सकते हैं, ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत तर्ज पर बनाई गई है फ्रेंड्स। इसे राजा सुल्तान जहानदाद खान ने इसे तामीर किया था फ्रेंड, और इसे राजगान मस्जिद भी कहते हैं। और अब फ्रेंड्स इसकी जो है ना फन तामीर हम आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और ये लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है, इर्द गिर्द डैम्प है और साथ में सब्ज़ा है फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत इसे फ्रेंड्स ये बनाई गई। और आप फ्रेंड्स यहाँ पर रश चेक कर सकते हैं इस डैम्प पे, ये कितना फेमस डैम्प है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आप स्पीडो बोर्ड देख रहे हैं, ये फ्रेंड स्पीड बोर्ड जो है ये आपको सिर्फ 800 रुपये में आपको ये पूरा चक्कर लगवा देते हैं। यानी कि आप लोग ये पूरे डैम का चक्कर लगाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा डैम है फ्रेंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये पे करके आप लोग यहाँ पर एक चक्कर लगा सकते हैं, पर हेड का चार्जेस करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप झूले वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको सामने जो है ना नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर झूले वगैरह भी काफ़ी तादाद में और खाने पीने की अशिया भी हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के साथ आपको पता चलें कि हम पूरे मुल्क में मालम जबा स्वाद मरी नथिया गली वगैरह जाते रहते हैं और फ्रेंड्स वहाँ की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। होप सो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।